दोस्तों बिग बॉस 16 की कॉन्टेस्टेंट के साथ हम लोग तो भली बात ही परिचित ऑलरेडी लगभग हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों आज जो मैं परिचय देने वाला हूँ वो है इन लोगों की एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन 16 सभी कॉन्टेस्टेंट की एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको होस्ट सलमान खान का भी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बताऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आते हैं टीना दत्ता। दोस्तों टीना दत्ता स्कूल और कॉलेज सभी कोलकाता से ही कंप्लीट की है। मेघमाला रॉय एडुकेशन सेंटर बेहला से स्कूलिंग, उसके बाद हायर स्कूलिंग सेंट पॉल्स बोर्डिंग एंड डे स्कूल में, और उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सौंदर्या शर्मा की। सौंदर्या शर्मा न्यू दिल्ली से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है और वे है बैचलर ऑफ डेंटल स्टडीज। इसके बाद आते हैं साजिद खान। दोस्तों साजिद खान SBK मुंबई कॉलेज ऑफ आर्ट से अपना पढ़ाई कंप्लीट की है और वो है ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी। आप देखते हैं ना, घर में वो ज्ञान बांटते रहता है और बहुत अच्छा अच्छा वाणी सुनाता है, वो क्योंकि है ही साइकोलॉजी का स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं अब्दू रोजिक की। ताजिक सिंगर अब्दू रोजिक तजाकिस्तान में ही अपना लोकल स्कूल से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है। कंप्लीट मतलब वे अपने 10th तक ही पढ़े हैं, उसके बाद वे अपना पढ़ाई को आगे बढ़ा नहीं पाए थे। बात करते हैं गौतम विज की। गौतम दिल्ली के गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करके कनाडा से अपना मास्टर डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्सेस कंप्लीट करके आए हैं। बात करते हैं सृजिता दे की। सृजिता दे हल्दिया से बिलोंग करते हैं जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। सेंट जेवियर स्कूल से अपना पढ़ाई कंप्लीट की है, उसके बाद मुंबई स्थित राम नारायण रुइया कॉलेज से अपना बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया है। बात करते हैं एमसी स्टैंड की। एमसी स्टैंड लोकल गवर्नमेंट स्कूल से 12वीं तक अपना पढ़ाई कंप्लीट किए थे। इसके बाद आते हैं शलिन बिनोद की। शलिन बिनोद जबलपुर से अपना फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट किया है और वे एक ग्रेजुएट है। इसके बाद आते हैं गोरी नगोरी, हरियाणवी डांसर गोरी नगोरी नागौर से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है और जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से अपना कॉलेज कंप्लीट किया है और वे वहीं से अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किए हैं। इसके बाद बात करते हैं अर्चना गौतम की। अर्चना गौतम IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है और वे है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके बाद आते हैं मानिया सिंह, मिस इंडिया की रनर अप, अपना स्कूलिंग महाराष्ट्र की SM लोहिया हाई स्कूल से कंप्लीट करके वे मुंबई की ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट कंप्लीट किए हैं। इसके बाद बात करते हैं निमृत कौर आलूवालिया की। निमृत दिल्ली से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करके मोहाली स्थित आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। इसके बाद बात करते हैं सुम्बुल तौकीर खान। सुम्बुल तौकीर अपना 12th कंप्लीट करके डिस्टेंस में अपना कॉलेज कंप्लीट कर रही हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रियंका चौधरी की। प्रियंका चौधरी जयपुर से अपना होम टाउन से ही वह अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। इसके बाद बात करते हैं अंकित गुप्ता जो कि मुंबई में अपना स्कूलिंग और कॉलेज कंप्लीट किया है और अपना ग्रेजुएशन भी वहां से कंप्लीट किया है। इसके बाद आते हैं शिव ठाकरे। मराठी बिग बॉस के विनर शिव ठाकरे महाराष्ट्र अमरावती से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करके नागपुर स्थित GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब दोस्तों बात करते हैं बिग बॉस 16 के होस्ट सलमान खान के बारे में। सलमान खान ने अपना स्कूलिंग ग्वालियर सिंधिया स्कूल और मुंबई की सेंट स्टैनलस हाई स्कूल से कंप्लीट किए हैं और उसके बाद कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो गए थे, लेकिन अपना कॉलेज पूरा ना करके अपना फिल्मी करियर में ध्यान दिया था और वे कॉलेज ड्रॉप आउट है। ये रहे आप लोगों के बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट की एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स। तो दोस्तों आप इस बार किसे सपोर्ट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके थिंकिंग कमेंट का।